अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एमए एमएड और बीएड स्टूडेंट्स की, जिनकी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप अटेंड करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो किस तरह से आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर तलबा तलबात जो उनसे वर्कशॉप के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से क्लास लेट ज्वाइन की, तो कोई कहते हैं मसरूफियात की वजह से क्लास अटेंड करना ही भूल गए। तो इसका अब क्या होगा, इसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट की 6 डेज की वर्कशॉप होती है, ठीक है। एक क्लास 2 घंटे की होती है, ठीक है। उस लिहाज से अगर इसको टोटल करें तो एक सब्जेक्ट की टोटल 12 घंटे की क्लास लेना पड़ती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए टोटल 10 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आप 12 घंटे में से 10 घंटे वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। इसी हिसाब से अगर 8 घंटे अटेंड करेंगे तो 10 में से 7 या 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि सबसे अहम इस सब्जेक्ट के क्विज़ होते हैं, ठीक है। एमए एमएड और बीएड में कुछ सब्जेक्ट, जबकि बीएड में तो टोटल सब्जेक्ट जो उनसे हैं उनमें क्विज़ होते हैं, लेकिन एमए के सब्जेक्ट में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्विज़ होते हैं, ठीक है। और इसी तरह एमएड में भी क्विज़ लाजमी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बताते चलूँ कि क्विज़ के 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिसे आपने जस्ट 20 मिनट में ही हल करने होते हैं। वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, नेटवर्क इशू की वजह से या फिर मसरूफियत की वजह से 1-2 दिन वर्कशॉप अटेंड ना कर सके तो ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 डे की वर्कशॉप होती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है 4 डे तो लाजमी आपने अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है, ठीक है। और 4 डे लाजमी करने के बाद ये है कि अगर 2 दिन स्किप हो भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि वर्कशॉप लाजमी अटेंड करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडर्स के 2 नंबर कम हो जाते हैं, जबकि क्विज अगर मिस हो जाए तो स्टूडेंट्स के 20 नंबर जो उनसे हैं ना वो उनके हाथ से चले जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स मसलसल 2 घंटे किसी सब्जेक्ट की वर्कशॉप अटेंड करें, यानी हफ्ते में 12 घंटे क्लास लें और क्विज़ हल करना भूल जाएं, तो आप ही बताएं इससे बड़ा कोई अहमक हो सकता है। बहरहाल आपको अलग अलग सूरतों से आगाह करती हूँ, इसकी 2 ही सूरतें हैं, ठीक है। फर्स्ट है, अगर कोई स्टूडेंट 6 डेज की मुकम्मल वर्कशॉप अटेंड करता है लेकिन कोई हल नहीं करता, तो उसके बावजूद पेपर में 50% नंबर होने के बावजूद वो पेपर में फेल हो जाएगा, ठीक है। वो ये है कि पेपर में भी पास हो जाएगा और अपनी वर्कशॉप में भी पास हो जाएगा, लेकिन क्विज़ के 20 नंबर होने की वजह से वो फेल तसव्वुर होगा, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड यही करना है कि आपको अपनी जिस तरह वर्कशॉप अटेंड करनी है इसी तरह क्विज़ भी अपनी लाजमी आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और पेपर में भी 50% मार्क्स लेने लाजमी हैं, ठीक है। इसी सूरत में आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका होगा आपकी क्विज़ और आपकी वर्कशॉप आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं या नहीं, अपने क्विज़ को अटेंड करते हैं या नहीं, क्योंकि आप अगर बेहतियाती करेंगे तो बाद में नुकसान आपका ही होगा। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।